अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला गया, तो पाकिस्तान ने हाईएस्ट रिकॉर्ड चेजिंग मैच अपने नाम किया। इसके बारे में इंडियन मीडिया का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कीपिंग की है रिजवान ने और 131 नॉट आउट, वेल प्लेड। हाँ जी भालू जी, क्या है भालू प्लेयर्स कह रहे हैं, कैसा लगा मजाक? नहीं दिया, अच्छा किया, समझा नहीं मैं। शुभांकर डैश कह रहे हैं, राहुल जी कॉन्फिडेंटली पूछ रहे थे पाकिस्तान 300 भी बना लेगा। नहीं यार, पाकिस्तान ने इसीलिए उनको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूं कि बावजूद इसके कि चाहे वो श्रीलंका की बॉलिंग थी, इवन नीदरलैंड्स की बॉलिंग होती, अगर वो 300-350 बनाएंगे तो उनके बारे में बात होती। देखो आई थिंक सबसे बड़ी बात होती है कि आपके दो विकेट गिर जाए और प्रेशर लगा हुआ है, और मतलब आपको अगला इंडिया खेलना है। रिजवान को आज मतलब ठीक है, रिजवान कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक के लिए मुझे लगा यार, एक लड़का आ रहा है, युवा सा लड़का है, कम उम्र का लड़का है, दूसरा मैच मिल रहा है, और आपको ऐसी वक्त पे मैच मिल रहा है जब आपको पता है कि फकर जमान को बैठाएंगे। आप खेलोगे? आप इस मैच में क्या करोगे? वो अगला मैच आपका डिसाइड करेगा। अब अगला अहमदाबाद है, और यार जिस हिसाब से उसने तारीफ खेली, मतलब वो देख के लग रहा था यार ये खिलाड़ी जिस हिसाब से खेल रहा है फियरलेस दिख रहा था। ये चीजें यार वो जिसे कहते ना कि गुड रीडर ऑफ द गेम, जो आपको सबसे स्टैंड आउट करती हैं चीजें, वो उनमें वो नजर आई वहां पर। कंट्रोल इन्हीं उनकी दिखा रही थी, कम से कम 94-95 की चल रही थी, मतलब बढ़िया कंट्रोल यार। देखो जो प्रेशर, इस प्रेशर को जो भी रिस्पॉन्ड करेगा, जो भी इनिंग्स खेलेगा वहां पर, उसकी बात होनी चाहिए, तारीफ बनती है। ऐसा नहीं ना कि जबरदस्ती कोई मुद्दे निकाले उसको कुछ बात करे। अभी भी आई थिंक हम बोल रहे हैं पाकिस्तान सर ने बोला डेंजरस हाफ बोलिंग साइड, आज मैं बल्कि उनको ये बोलूंगा हसन अली एक अच्छा निकले, पॉजिटिव आया उनके लिए, कि हसन अली को भी आप ऐड करोगे अब कि हाँ, क्योंकि हसन अली की ताकत दोनों साइड चला है आज। हसन अली की ताकत क्या है धीरज भाई, जब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई थी, तो ही इज अ विकेट टेकर, और अगर वो विकेट टेकिंग फॉर्म में आएंगे, ठीक है आज शहीन का ऑफ हो गया, हसन अली के लिए कॉन्फिडेंस मिला है, पर थोड़ा ये होगा ना कि शहीन के लिए शायद ज्यादा दिन ऐसे नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है। शादाब, नवाज, क्योंकि बीच में ऐसा होता है कि इफ्ती पर बहुत ज्यादा वो कर दिया था कि यार इफ्ती शायद आके विकेट निकालेगा ना। नहीं, नितिन ने बड़ी अच्छी बात, नितिन खन्ना जी हमारे, यार देखो नितिन जर्नलिस्ट नहीं है, वो क्रिकेट से जुड़े हैं, बट उनकी मैं बड़ी वैल्यू करता हूं उनके व्यूज की, और ये बात हम नितिन बड़े दिन से कह रहे हैं, जो टीमें बीच में विकेट नहीं लेंगी वो नहीं जीतेंगी। पाकिस्तान ने भी बाद में कमबैक किया, और वो 15-20 रन की जो हम बात कर रहे थे, वो श्रीलंका को हरा गए 20 रन, वो जो एक्स्ट्रा दिए उन्होंने, और नहीं जो बैट्स नहीं बना पाए, श्रीलंका भी बीच में विकेट नहीं ले पाया। श्रीलंका भी विकेट बीच में कहां ले पाया, बहुत ज्यादा है ना कि आपने आखिर के जो 20 ओवर खेले हैं उसमें रन बॉल ही नहीं हो, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद, तो श्रीलंका कहीं ना कहीं जो आज फिर दोबारा फंसी है, वो देखेगी पीछे मुड़के की अपॉर्चुनिटी मिस्ड वाली बात है। आज उनकी कैंपेन ऑन ट्रैक हो सकती थी यहां पर, और क्योंकि बाबर भी बात करने हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो रिलीफ भी है कहीं ना कहीं कि भाई आज एक ऐसा मैच बच गया, क्योंकि ये मैचेस ऐसे जो आप गिनते हो यार, ये मैच डन है, ये मैच डन है हमारे लिए। इनफैक्ट उनके लिए क्या होगा कि हम जो अपने लिए बात कर रहे थे कि हमारे लिए क्या मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया निकल गया एक मैच, कल आपका वही मैच बॉक्स वाला आ गया, कल बॉक्स टिक करना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे लिए वही ना कि अफगानिस्तान मैच फंस हो गए, जो थोड़ा पाकिस्तान नीदरलैंड से फंसा कि प्रॉब्लम हो गई, तो आपको लगता है कि डाउट्स और बढ़ जाते हैं, ऑलरेडी आपका समय बढ़िया नहीं चल रहा है, बट आज ये ड्रेसिंग रूम जो है जब जाएगा तो टीम होटल सेलिब्रेट करेगा। इंडिया के साथ हुआ यार, दो तीन आउट, दो रन पे तीन आउट, सेम यू चेजिंग 350-45, और आपने बाबर इमाम के बाद रन बना दिए, तो इस तरह की जीत जो है मैं मानता हूँ। सवाल यह है कि अभी भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मैं अभी भी मानता हूं इंडिया बेहतर साइड है, बट पाकिस्तान ने आज इस जीत से एक क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरा, आपका वो मतलब वो माहौल नहीं गिरा। दे आर दे विल से हम तो दो में दोस्त जीत के आए जी बताओ। और दूसरी बात यह है कि जो उनकी कमजोरी दिख रही थी बैटिंग, अभी